आधी के गिचा ये नहीं कान कानो भाई वो जाक बटा बोल दो उड़ी के भूख लगी। तो ये है पिताजी का नाश्ता, तू भी देख दे माजी, बहुत बहुत बधाई हो तुम तक। हाँ कटी करो ये। हाँ टप कर रहे हैं, टप कर रहे हो रहे वो देख दे दे रहा दोनों बड़ा क्या दे रहा दोनों वाला हूँ दे रहा दोनों वाला हूँ भाई के दिया कहीं तू वाला मेन नहीं तेरे नहीं हुआ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बजे और मेरी माँ बैठी थाड़ा मलाओ और भाई अभी सवेरा को नाश्ता भी नहीं होने चाहिए और दोपहर का तैयार होने बढ़िया रख। तो अभी सुबह का नाश्ता हुआ नहीं है लेकिन दोपहर की तैयारी चल रही है खाने की। और ये है लोबिया, पूरा लोबिया, पूरा लोबिया चाहिए। मांस भी तीछी ना? मांस नहीं चाहिए, वो नहीं होती, वो काला भी है वो ना भी। अच्छा तो ये है लोबिया की दाल, पहाड़ी दालों में प्रमुख दाल मानी जाती है ये भी लोबिया। तो अभी इनको पानी में भिगाया जाएगा और इनके साथ डाले जाएंगे सफ़ेद सोयाबीन और तब बनेगी पहाड़ी दाल बढ़िया गाढ़ी वाली। तो अभी नाश्ता हम क्या बनाएंगे माँ जी? आलू और प्याज। आलू थी चढ़ है प्याज और प्याज रोटी बनाएगी। और ये है हमारी ओखली गांव में, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ उरखलू। तो माँ जी ने इसमें अभी जो मंडुआ होता है ना, मंडुआ रागी कोदा, उसको साफ किया अभी, मतलब इसमें कूटा, फिर उसके बाहर का छिलका निकाला जाता है और फिर इस तरह से उसको फिर आटा बनाया जाता है चक्की में पीस करके। और ये है अयांश महाराज। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। हाँ हाँ ये ऐसा लड़का है, ये जब सुबह उठता है तो ये रोता नहीं है, बिस्तर में ये हंसता है। उससे इसकी दिन की शुरुआत होती है। हैं जय करो जरा बोलो, सूर्य देवाय नमः। जय करो, जय कर दो जरा। तो ये है पिताजी का नाश्ता, पिताजी बाहर ही खा रहे हैं आज। तो नाश्ता करने के बाद आयांश है अभी दादी के साथ। डुगू क्या है? कुत्ता बोल, भूखा बोल, भूखा बोलो, भूखो तो उसको बोल दे जरा, जो से पकड़ना है जाता है। भूखा तो भूखा, अरे भूखा, अरे भूखा। अब आधी के गिचा ये नहीं कान कानो भाई वो जख बटा बोल दो उड़ी के भूख लगी चाहे तो खाया लो लो रोट। तो अभी अभी एक खुशखबरी आई है पिताजी के द्वारा दूरभाष के माध्यम से, मुझे गौशाला से जानकारी दी गई है कि जो हमारी गौ माता है उसको संतानोत्पत्ति हुई है। अब मैं जा रहा हूँ गौशाला में गाय के लिए कुछ लेकर के। तो पहले मैं गाय के लिए तैयार कर देता हूँ उस व्यंजन को, क्योंकि जब कोई गाय या भैंस भी आती है तो सबसे पहले हमारे यहाँ उसी को खिलाया जाता है। तो उसकी प्रोसेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशखबरी है कि हमारे इस परिवार में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ है। पुरुष है या स्त्री है ये आपको बाद में बताएँगे, बच्चा हुई है कि बोढ़ हो रखा है ना। तो अभी इसमें गौ माता के लिए बन रही है चुलमणी, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं चुलमणी। ये है मंडुए का आटा और इसको गर्म पानी में मिलाया और उसके बाद अभी इसको चूल्हे में पकाया जा रहा है। तो ऐसे ही बाड़ी भी बनती है और जो गाय के लिए बनती है या भैंस के लिए बनती है उसको बोलते हैं चुलमणी। तो इसको अच्छी तरह से अभी फेंटा जा रहा है इस तरह से ताकि इसमें गोले ना बन पाए आटे के। और इसको बियाने वाली गाय या भैंस को इसलिए खिलाया जाता है कि उसके पेट की जो है सिकाई हो जाए और उसको इससे आराम मिलता है। तो हमारे घर में ये लंबी सी ईख है जिसको कि मैदानी क्षेत्रों में गन्ना भी बोल देते हैं, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है थोड़ा उससे भिन्न है। तो इसके कुछ पत्तों को लेकर के भी जा रहा हूँ मैं गाय के लिए
और इसमें आ गई हमारी चुलमणी, तो इसको खिलाया जाएगा गौ माता को। तो अब उसकी विशेष सेवा शुरू हो जाएगी इस विशेष काल में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने गौशाला में। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन गौ माता, बधाई। ले ले दी, ले बाबा, ले ले सुनो, ले आ जा, ले खाओ खाओ खाओ। अभी वो किसी को नहीं आने देगी अपने पास ना, अभी तो समर्पण के साथ माँ इनकी सेवा करती है गायों की, और इस वजह से माँ कहीं बाहर भी नहीं जाती है घूमने के लिए ना, कभी किसी के शादी ब्याह या किसी कार्यक्रम में, बहुत कम। अरे 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 अरे, बनाओ भाई बनाओ, संतुलन बनाओ, जीवन का संतुलन। जैसे चीतल या हिरन का बिल्कुल नवजात शिशु होता है ना, वैसे ही लग रहा है इसका बच्चा को, सेम। पी दो पी दो पी दो पी दो, सारा पी दो। तो पिताजी ने उसको अलग बांध दिया है उसके बच्चे को, क्योंकि यहाँ पर अभी ये खा रहा है और उसके बाद ये चाट देगा फिर उसको, नहीं तो। ले ले दी, तो ये है हमारा एक नंदी, जो गाय आज भी आ रखी है ना, उसकी बड़ी वाली संतान यही है। क्या निपीना हैं, तू भी देख दे माँ जी, बहुत बहुत बधाई हो तुम तक। यहाँ से तूने तोड़ दी थी, मैंने देखी थी सुबह, कहाँ पर थी? एक तो ये है पर ये कच्ची है। नहीं नहीं ऐसे तो ये भी है, देखो वो पक रखी थी। हाँ वो पक रखी थी, मोटी थी। डब्बा बंद, ऊपर डब्बा बंद, इतनी दूर में, इतनी दूर। हाँ हाँ, एक तो ये ऐसे हो रही है, देखो एक कच्ची। अरे यहीं कहीं छुपाया था, पत्ते डाल दिए थे मैंने मोर के बिल्कुल अंदर। कितनी चिड़िया खा लेगी? डुब्बू को देता, एक तो खा ले, एक डुब्बू, डुब्बू रोज खा रहा है। अरे डुब्बू रोज खा रहा है तो डुब्बू के लिए तो है वो, डुब्बू देख चल रण दिया ले। कौन खाए खाटू आ ना ना खा दे खट्टू भी, हाथ से नहीं पकड़ना, लाओ मुझे दो, ऐसे थोड़ी खाते हैं, ऐसे नहीं, लाओ मुझे तो दो। मोगली दिख रहा पूरा, मोगली चट्टी कर, कट्टी कर, आहा कट्टी करो ये। हाँ टप कर रहे, टप कर रहे हो रहे, ले टप कर मार दो, टप टप टप। अरे वाह डुगू, अब हो रही मीठी, मीठी हो रही, मीठी मीठी दही सर कहीं चल। अच्छा जी, मैंने भूखा है। अरे वाह पहलवान है भाई तू भी, पहलवान है डुगू तू भी, सारे खाया ले। अब नहीं है, कैसे फिनिश, फिनिश फिनिश हो गई हो। घर की बैक साइड में पिताजी ने बहुत सारा एलोवेरा लगा रखा है, यहाँ ये देखिए बढ़िया गूदा है इसमें, इधर भी है, ये भी है, पूरा जंगल ही बन रखा है इसका यहाँ, ये भी है देखिए, उसके बाद ये भी है, मस्त। तो अभी हम इसको काट देते हैं, थोड़ा काम आ जाएगा ना घर में, कट कर देते हैं। ये काट दिया हमने। तो एलोवेरा जब भी आप फेस पे लगाएं या इसकी सब्जी बनाएं या जूस बनाएं, तो काटने के बाद इसको 5 से 10 मिनट इस तरह से छोड़ दें। अब ये देखिए इस पे निकलेगा पीला पदार्थ, तो ये पीला पदार्थ जो है
इसका प्रयोग नहीं करना हमको बिल्कुल भी नहीं, तो ये अपने आप ही निकल जाता है। ये देखिए निकलने लग गया इससे, और उसके बाद हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। वो देख देहरादून बढ़ा गया, देहरादून वाला हूँ। दादी देख कहाँ है दादी, ये दादी देख अब चश्मा ही देखना थे। लाओ भाई दादी के लिए पंदेरे का पानी, कहाँ है जल्दी लाओ। उत्तराखंड में हाँ हाँ तब वही दिया तूने तो रेड़े नहीं कर रहे हैं लाभ नहीं कर रहे हैं लाभ नहीं नहीं सोना जी नहीं बैठी सब तू पापर